अभी अभी एक बम फटा है कि ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो वी आर ट्राइंग कि अभी और हमने मैंने कैसे जाना है और क्या मैनेज करना है, तो उसी के लिए देख रहे हैं। तो जैसे ही होता है फाइनल, साथ साथ आपको भी अपडेट देंगे। ये ट्रबल्स आती रहती हैं नई नई तरह की, देखते हैं अभी क्या बनेगा कि घर तक पहुँचना कैसे। चलो बताते हैं आपको। था ट्रेन होगी थी मेरी मई, सब मजबूरी मई और जो ऑप्शन ना होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा रायपुर के एयरपोर्ट। तो मैं बाय प्लेन दिल्ली पहुंचूंगा रात को और फिर वहीं से ही जाऊंगा मैं घर। मेरे पीछे देख रहे हो यहां पर आएगी मेरी फ्लाइट और यहां से करूंगा मैं इन और पहुंचूंगा दिल्ली के टर्मिनल 3 पे। लास्ट टाइम मैंने आपको 2 नहीं दिखाया था क्योंकि उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट आज मैं उतरूंगा 3 पे और 3 का मैं छोटा सा नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि दिखने में कैसा है। ठीक है, वेट करना, वीडियो में एंड नहीं कर रहे हम अभी, सिर्फ अभी तक के लिए होल्ड पे, यानी स्टैंड बाय पे। बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, अब मैं भी बस क्यू में ही जा रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ फ्लाइट में। आधी बारी इंडिगो से आया था तो बीच में से बस से होके जाना पड़ता है फ्लाइट तक, इसमें पूरा पैसे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त लगता है यार। दिस इज द वे टू गो टू फ्लाइट, सीधा फ्लाइट में जाएंगे अभी यहाँ से। माई फ्लाइट नंबर, माई सीट नंबर इज 7F। चलो अंदर जाके मिलते हैं। आई एम इन द फ्लाइट नाउ, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। जबरदस्त विस्तारा की फ्लाइट बड़ी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन लाइट की जबरदस्त है। फाइनली अब मैं पहुंच गया दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पे। विस्तारा फ्लाइट का जो ट्रेवल था वो जबरदस्त, मज़ा आया था ट्रेवल करके। अब मैं थोड़ा सा T3 दिखाता हूँ वो कैसा है। लेटर बने, चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप चलते रहते हैं। यह है T3 का पैसेज अराइवल की तरफ जाता हुआ। और अगर आप इसके ऊपर चलते हो तो आपकी स्पीड नॉर्मल से तेज हो जाती है, तो यू कैन कवर योर डेस्टिनेशन और मतलब जहाँ भी जाना है जल्दी कवर हो जाएगा। लगेज लेने और लगेज लेके जाएंगे हम सीधा मेट्रो पे, मेट्रो से जाएंगे ISBT होम, वहाँ से लेंगे हम करनाल की बस। बट अभी मेट्रो से ISBT पहुँचने में मुझे 1.25 घंटा लगेगा, तब तक आप एंजॉय कीजिए यहाँ के एयरपोर्ट को देख के। दिल्ली का T3 एयरपोर्ट जबरदस्त बना हुआ है, देख के मज़ा आया था। मैं दुबई गया था तब यहाँ से आया गया था, और लास्ट टाइम जब रायपुर से आया था तब भी यहीं से आया था। मेरा मोबाइल का कैमरा ठीक है। ये है दिल्ली के T3 के अराइवल की इमेज, यहाँ से आगे जाके मुझे मिलेगा मेरा लगेज और मैं बाहर जाके पकड़ूंगा मेट्रो। मजा आया था, अभी तो खैर 10:30 ही है, यहाँ तो रात के 2-3 बजे भी ऐसा लगता है दिन निकला हुआ है। कंटिन्यू फ्लाइट चलती रहती है, पहले से बेटर कर दिया कुछ यहाँ पर, डेकोरेशन के पॉइंट्स और फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए T3 को पहले से और बेटर करते हुए। होली के फेस्टिवल के लिए रंगोली और फ्लावर से सजावट की हुई है। क्या मैं अपनी कन्वेयर बेल्ट चेक करता हूँ और अपना लगेज उठाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज से आए हुए लोगों के लगेज आए हुए हैं, मेरा फिलहाल 6 नंबर पे आया हुआ है, तो मैं अब वहीं जा रहा हूँ अपना लगेज लेने के लिए। लगेज ले लिया मैंने अपना और अब मैं जा रहा हूँ बाहर, ले रहा हूँ एग्जिट। है ना जबरदस्त, ऐसा लग रहा है अभी दिन है, रात नहीं है, 11 बजने को रहे हैं। मैं ले चुका हूँ एग्जिट एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से। ये सारा एयरपोर्ट का बाहर का एरिया, टर्मिनल 2 जाना तो किसी ने वहाँ से सामने सीधा निकल जाए टर्मिनल 2 पहुँच जाएगा, टर्मिनल 1 का रास्ता अलग है। फिलहाल मुझे मेट्रो जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा अपोजिट साइड, यहाँ से मुझे सामने ही जाना है।
आई थॉट कि मैं थोड़ा सा आगे निकलूँ, पर ये पीछे का मेट्रो भी आगे ही है रास्ता, जहाँ से मेट्रो में हुआ कश्मीरी गेट की ISBT दिल्ली का रास्ता, ऑन माय राइट साइड दिस वे। एयरपोर्ट बना हुआ ना, जबरदस्त मजा आ रहा है देख के। दिल्ली मेट्रो जाने का रास्ता, यहाँ से मैं सीधा एंटर कर दूंगा मेट्रो स्टेशन में। हम इसी का ही सफर करेंगे कि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत जबरदस्त होता है, तो फंसने से बेटर है बाय बस या बाय नहीं, ये कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा। तो मेट्रो ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है, मज़ा आएगा देख के इसको भी। ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन T3, और अब मैं जाऊँगा नीचे मेट्रो पकड़ने के लिए। आगे भी सब्सक्राइब करवाना। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।